नमस्कार, मेरा नाम ओमजी मिश्रा है। दानिश सर, हाँ सर, सबको नमस्कार। कुछ 5-6 लाइनें हैं। सवाल है, क्यों? प्रेम, स्नेह और अखंड एकता। प्रेम, स्नेह और अखंड एकता, क्या यह महज दिखावा है? प्रेम, स्नेह और अखंड एकता, क्या यह महज दिखावा है? अगर नहीं है ऐसा तो क्यों आपस में लड़ जाते हैं? क्यों हम बात सभी से मिलकर प्रेम स्नेह से करते नहीं? क्यों हम बात सभी से मिलकर प्रेम स्नेह से करते नहीं? क्यों हम नाम जाति धर्म पर आपस में बढ़ जाते हैं? अगर नहीं है ऐसा तो क्यों आपस में लड़ जाते हैं? आखिर क्यों कोई भी आकर हमको भड़का देता है? आखिर क्यों कोई भी आकर हमको भड़का देता है और हम मूर्ख भूल सभी कुछ नफरत में बढ़ जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं? क्यों कलाम आजाद भगत सिंह जैसा भाव नहीं मन में? क्यों कलाम आजाद भगत सिंह जैसा भाव नहीं मन में? क्यों कसाब मन्नानों जैसों पर अश्रु बहाते हैं, जिनकी मृत्यु पर हर सैनिक अभिनंदन अधिकारी है? जिनकी मृत्यु पर हर सैनिक अभिनंदन अधिकारी है, क्यों हम उनके मरने पर सड़कों पर उतर कर आते हैं? अगर नहीं है ऐसा तो क्यों आपस में लड़ जाते हैं? अब मैं आपके सामने अपनी एक नए गीत प्रस्तुत करूंगा। इसका उन्वान है कि ख्याल ये है इसमें सिर्फ इतना कि मुझे पता है हालात जो भी हैं, मगर तुम मेरी हो। खफा हो तुम पर मेरी हो तुम, ये जिंदगी का हसीन सच है। खफा हो तुम पर मेरी हो तुम, ये जिंदगी का हसीन सच है। सिर्फ मुझे ही नहीं है, तुम्हें भी मेरी जरूरत है। हमेशा मुझको नहीं है केवल, तुम्हें भी तो मिश्रा की ही लत है। खफा हो तुम पर मेरी ही हो तुम, ये जिंदगी का हसीन सच है। ये ख्याल, ये जज्बात, ये गीत, ये जो है सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। ये दिल के अरमानों का घरौंदा तुम्हारी ही यादों से फकत है। खफा हो तुम पर मेरी ही हो तुम, ये जिंदगी का हसीन सच है। और आखिरी पंक्तियां, कहां हूं मैं और कहां हो तुम अब, कहां हूं मैं और कहां हो तुम अब, तुम्हारे बिन जिंदगी गलत है। खफा हो तुम पर मेरी ही हो तुम, ये जिंदगी का हसीन सच है। आखिरी में दो पंक्तियां जिंदगी को लेकर, कि मेरे अरमानों ख्वाहिशों को तूने अब तलक रौंदा, मेरे अरमानों ख्वाहिशों को तूने अब तलक रौंदा, भला एक बार को ही तू कभी मुझ पर तरस खाती, बड़ी हसरत थी इस दिल में तुझे खुल करके जीने की, बड़ी हसरत थी इस दिल में तुझे खुल करके जीने की, के होता खूब क्या लम्हा जो तू भी संग में आती, भला एक बार को ही तू कभी मुझ पर तरस खाती। बहुत बहुत शुक्रिया।